हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रवि, आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। तो आज हम फिर से एक जीरो हीरो ट्रेड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मैंने 6-7 रुपए को बाइंग दिया था। मैंने उसका लेवल दिया था 6-7 रुपए का, और उसने, अगर आप देखोगे, भाई कोकर भी सिटी मार रहा है। उसने 289 रुपीज़ का लगभग हाई लगाया था। यहाँ पे आप देख सकते हो 289 रुपीज़। और यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने बिल्कुल बॉटम पे यहाँ पे बाइंग दिया था, 6 रुपीज़ से लेके 7 रुपीज़। तो ये ट्रेड जिन्होंने भी पकड़ा है तो उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया है। फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मैंने दिया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो लेवल्स हैं, सबसे पहले मैं इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ आपको कि ये ट्रेड मैंने क्यों दिया था। तो ये जो आज का डेली कैंडल है, मिड कैप निफ्टी का, तो हम चलते हैं पहले 5 मिनट के कैंडल पे। तो देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अभी ये वाला जो मूव आया ना, शायद ही कोई पकड़ पाया होगा। ये वाला जो कैंडल है, ये कोई शायद ही पकड़ा होगा। तो मेरा जो व्यू था ना कल, तो मेरा व्यू यहाँ यहाँ तक था, 800 के लेवल तक। लेकिन इससे भी काफ़ी नीचे गया था, लगभग 697, मतलब 700 तक का एक डिप लगा चुका है यहाँ पे। तो एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो लेवल था, ये यहाँ से नीचे आ सकता है या यहाँ से बाउंस हो सकता है। ये जो लेवल्स थे, मैंने कल रात को ही प्रोवाइड किए थे अपने टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। रात को 11 बजे मैंने मिड कैप निफ्टी का, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, तीनों का लेवल जो है, मैंने ये देखो, बैंक निफ्टी, निफ्टी और ऊपर मिड कैप का, ये तीनों लेवल मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखे हुए थे। मिड कैप का मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, हम उसी के जीरो जीरो के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए इसको दिखा इससे दिखा देता हूँ मैं। तो मेरा प्लान ये था, अगर फ्लैट खुलेगा मार्केट और ऊपर अगर जाके फिर यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। इस लेवल तक मेरा टारगेट था कि यहाँ तक हम लॉन्ग करेंगे। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जाएगा, तो पुल बैक पे हम यहाँ पे फिर से शॉर्ट करेंगे इस लेवल तक, 800 के लेवल तक। तो 800 का मेरा लेवल डिफाइन था कि 800 तक का एक डिप आ सकता है, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नेगेटिव होता है तो। तो मार्केट खुला ही यहाँ पे, और उसके बाद ये नीचे आया, फिर नीचे आके फिर यहाँ पे फिर बाउंस किया। तो ये वाला जो बाउंस था, ये हमने पकड़ा था, और ये नीचे आने वाला जो बाउंस था, वो भी हमने पकड़ा था। तो ये मिड कैप का मैंने लेवल अपडेट दिया था कल रात को 11 बजे। वैसे मैंने निफ्टी 50 का भी यहाँ पे, अगर देखोगे आप, तो मैंने लेवल अपडेट दिए थे रात को ही। और ये निफ्टी बैंक का मैंने यहाँ पे लेवल अपडेट दिया था, अगर फ्लैट ओपन होता है तो इस तरीके से कुछ जा सकता है, और ये टारगेट हमें देखने मिल सकते। अगर यहाँ से नीचे फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से नीचे आता है, तो इस तरीके से कुछ नीचे जाएगा, तो नीचे की साइड 48,214 का लेवल था मेरा। और ये वाला एक मैंने लेवल प्रोवाइड किया था कि ऐसा भी हो सकता है फ्लैट ओपन होने के बाद इस तरीके से यहाँ तक डिप आए, जो कि लेवल था 48,330 या 40 का, आप पकड़ कर चल सकते हो। तो यहाँ से फिर से बाउंस करके ये लेवल तक आ सकता है, ये मेरा व्यू था। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी। और हाँ, एक बात, अभी तक अगर आप इस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, तो आपको इन लेवल्स का फायदा हो सकता है। लाइव जब मार्केट चल रहा होता है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे कुछ कॉल्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो अपने लर्निंग पर्पस के लिए। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने लेवल्स ऑलरेडी रात को ही प्रोवाइड कर दिए थे कल। तो यहाँ पे अगर देखोगे, ये मेरा व्यू था, कीपिंग थिंग्स सिंपल, इफ निफ्टी इज ट्रेडिंग ट्रेडिंग अबव 22,530, डू नॉट शॉर्ट इट एज इट माइट कंटिन्यू टू रिमेन बुलिश। तो बुलिश रह सकता है अगर 22,530 के ऊपर ही ट्रेड करता है तो। HDFC का जो है, अब मूव थोड़ा सा पेंडिंग था, वो मैंने यहाँ पे बोला था। और बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का जो है, ऑल टाइम हाई के बिल्कुल नज़दीक था, ये मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया था। और ये मेरा कहना होता है कि ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, जो आपको दिख रहा है वो उसको ट्रेड करो, जो आप सोच रहे हो उसको ट्रेड मत करो। ये मेरा सिंपल सा फंडा होता है, तो मैं चार्ट पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे तो फर्स्ट वाला ट्रेड जो मैंने दिया था यहाँ पे, 21,600 का सी दिया था मैंने, 110
112 रुपीज़ यहाँ पे बाइंग किया था, उसने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें दिया है। ये मैंने फ्री ग्रुप जो है मेरा इसमें प्रोवाइड किया था, उसने लगभग बाद में 160 कुछ तो भी हाई लगाया है बाद में उसने, तो ये वाला एक ट्रेंड हमारा काफ़ी अच्छा गया था। और यहाँ पे अगर देखोगे तो निफ्टी जो है यहाँ पे बिल्कुल जो एनालिसिस किया था उसी तरह से जा रहा था, तो ये लेवल जो है मैंने प्रोवाइड किया था वो टच हो चुका था, हालांकि उसके ऊपर भी गया था बाद में। और यहाँ पे निफ्टी बैंक अगर देखोगे तो जो मेरा ये वाला लेवल था उसके ऊपर खुलने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा डिप लगाया, फिर इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन माना के ऊपर जा रहा था, तो मैंने ये 48,500 का भी जो मैंने सी था ये भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दिया था, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के देख लिए हमने लेवल, तो ये देखो ये 48,500 का सी मैंने दिया था यहाँ पे 11:50 पे, 48,500 का सी 280 से लेके 290 ये मैंने लेवल दिए थे बाइंग के लिए। ये भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो इसने भी अगर देखोगे आप तो लगभग इसने हाई 377 का हाई लगा चुका था शायद, यहाँ पे आप देख सकते हो 74 का यहाँ पे लिखा है, उसके बाद में भी नीचे जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो आपको दिखेगा। तो उसके बाद अगर देखोगे आप तो यहाँ पे फिन निफ्टी का मैंने एक सी दिया था 55 से लेके 57 रुपये का, उसने भी काफ़ी अच्छा हाई लगाया था, वो भी हमारा एक सक्सेसफुल ट्रेड था। उसके बाद में अगर देखोगे यहाँ पे जो अपना मेन है वो मैं आप ट्रेड को दिखा देता हूँ, मिड कैप ने टारगेट अचीव किया था, ये भी मैंने यहाँ पे बोला था 1:11 पे, ये जो मेरा लेवल था ये आ चुका है, तो ये मेरा मेरे पास ये लेवल था तो ये टारगेट अचीव हो चुका है। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा, ये जब टारगेट अचीव हुआ था तब मैं सोच रहा था कि अभी एक पी का साइड का पोजिशन बनने वाला है, तो मैंने यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये 0-0 का ट्रेड मैंने दिया था 1:16 पे, 0-0 ट्रेड मिड निफ्टी 10,900 का पी 5 से लेके 6 रुपए, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, चला तो रॉकेट बनने वाला है, ये मैंने क्लियरली लिखा था 1:17 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो मैंने दिया था जब रॉकेट बन गया था 86 विद इन 3 कैंडल, इसने जबरदस्त हाई लगाया था, अगर यहाँ पे देखोगे तो 289 का हाई लगा चुका था 1:29 पे, ये भी लिखा था मैंने क्या बोला था, दिस इज कॉल्ड माई 0-0, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसके बाद भी मैंने एक छोटा सा 0-0 दिया था, उसने भी लगभग हाई लगाया था थोड़ा सा हल्का सा, ये अगर देखोगे 4 से लेके 5 रुपये, ज़्यादा रिस्क मत लेना क्योंकि काफ़ी अच्छा हमें गेन मिल चुका था, तो मैंने छोटा सा दिया था 4 से लेके 5 रुपये, 10,825 का पी मैंने दिया था फिर से, जिसमें 9+ का हाई लगा चुका था भी अच्छा। और ये वाला जो है ना यहाँ पे आप देखोगे तो ये फ्री जो ग्रुप में मेंबर है उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है 48,945 रुपीज़ का, मिड कैप निफ्टी आप देख सकते हो यहाँ पे 10,900 का पी 48,000 10 लॉट से किया था शायद इन्होंने, जो भी जिसने भी लिया था ये फ्री ग्रुप में, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तो मैंने ये भी लिखा था उन्होंने 10 लॉट के साथ किया है। ठीक है, तो चलिए अभी समझते हैं लॉजिक। हाँ, तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सॉरी ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल को, तो यहाँ पे जो है आपको QR कोड दिख रहा होगा राइट हैंड कॉर्नर में, तो इसको आप अपने मोबाइल से स्कैन करके इस चैनल से जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, और ये जो लेवल्स थे अभी मैं ऑन कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे हाइड करके रखा था, तो ये देखो मेरे पास ये वाला जो ट्रेड था ना ये मेरा डिफाइन ट्रेड था कि यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो मुझे एक पी साइड का ट्रेड लेना है, ये मेरा कल ही डिसाइड हो गया था कि जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं पी का ट्रेड नहीं दूंगा, तो 0-0 बनने वाला था, ये मुझे कल ही पता था कि एक 0-0 जो है बनने वाला है, तो मार्केट गैप अप ओपन तो हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से फिर से नीचे आ गया, तो यहाँ पे जब ये भी मेरे पास लेवल था ऑलरेडी मैंने जो आपको दिखाया ग्रुप में कल रात को ही मैंने ऑलरेडी दिया था,
बस। तो यहाँ पे जब आया और यहाँ पे जब ये सस्टेन करने लगा, इस पे सपोर्ट लेने लगा, तो मैंने ये सीई का ट्रेड दिया था, ठीक है। और जब सीई का हमने बुक कर लिया ट्रेड, उसके बाद जब यहाँ पे हॉल्ट करने लगा, तो समझ में आ रहा था कि काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 1:30 बजने वाला है, तो ये डे हाई भी अभी तक इसने क्रॉस नहीं किया है, तो यहाँ से एक डाउन साइड का मूव आ सकता है, जो कि मेरा लेवल डिफाइन था, नीचे अगर जाता है तो 800 का लेवल, तो मेरा टारगेट यहाँ तक डिफाइन था कि 800 के लेवल तक ये जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे बस बिल्कुल 13 बज के, यहाँ पे आप देखोगे 1:16 पे मैंने ट्रेड दिया था, मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल आप रिलेट कर सकते हो कि मैंने एग्जैक्टली टाइम पे मैंने ये वाला ट्रेड दिया था। अगर यहाँ पे देखोगे आप, देखो 1:16 पे मैंने ये ट्रेड दिया था, और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 13:15, मतलब 1:15, और इस कैंडल पे मैंने ट्रेड दिया था। सोचो, ये कैंडल पे मैंने ट्रेड दिया और दूसरे 5 मिनट के कैंडल में टारगेट अचीव हो चुका था। यहाँ पे अगर ऑप्शन का चार्ट देखोगे, ये भी मैंने 5 मिनट का लगाया, यहाँ पे आप देख सकते हो, और मिड कैप निफ्टी आज का एक्सपायरी 10,900 का पी। तो देखो यहाँ पे अगर देखोगे, तो यहाँ पे कहीं पे ये ट्रेड था, ये वाला, बस उसके बाद में एक ही कैंडल नीचे गया था, और लो अगर देखोगे इसका, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लो 6 रुपये 35 पैसे इसने लो लगाया था, मैंने 5 या 6 रुपये बाइंग दिया था, तो थोड़ा सा 19-20 आप पकड़ सकते हो, तो 6:06 रुपये 35 पैसे इसने लो लगाया, और नेक्स्ट कैंडल ही, 5 मिनट की नेक्स्ट कैंडल ही, लगभग अगर देखोगे आप इसका यहाँ पे ओपनिंग और हाई देखना, यहाँ पे उसका ओपनिंग प्राइस है 6.75 रुपीज़ और हाई है 289.70 पैसे। देखो 5 मिनट की एक ही कैंडल जो है कितनी बड़ी बन गई, और कितना जबरदस्त इसने प्रॉफिट दिया, एक ही कैंडल में इसने प्रॉफिट दिया है जबरदस्त वाला, लगभग आप पकड़ के चलो 280 पॉइंट की एक ही कैंडल है। ऊपर के जो 6 रुपये हमने बाइंग किया था, 6 रुपये का, वो छोड़ दीजिए, तो ये ऊपर के 9 रुपये, वो भी हमने राउंड राउंड फिगर के लिए हमने छोड़ दिया है, तो 280 पॉइंट की एक कैंडल है, ये वाला ट्रेड जो है हमने पकड़ा है। और ये ऐसा नहीं है कि तुक्का लग गया भाई, चलो कभी दिया होगा तो लग गया तुक्का, भाई देखो यहाँ पे ये 0 0 निफ्टी का मैंने दिया था, 4 रुपये का 136 रुपये गया था, भाई ये पूरा स्टडी का मामला है, ये पूरा रिसर्च का मामला है, ये डेडिकेशन का मामला है, ये जो आज तक जो सीखा है मार्केट ने, जो सीखा है ये उसका नतीजा है भाई। और ये सिर्फ एक ही नहीं है, आप अगर इस चैनल पे जाओगे और यहाँ पे शॉर्ट्स में जाओगे, तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स है जो हीरो जीरो हीरो, अभी तो मैंने बना के डालना चालू किया है अपने चैनल पे, इससे पहले तो डालता भी नहीं था मैं। यहाँ पे अगर देखोगे 0 हीरो ट्रेड है, ये आप जाके चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे फिर निफ्टी का 0 हीरो ट्रेड है, ये आप जाके चेक कर सकते हो, ये 0 हीरो ट्रेड है, आप 5 रुपए का 80 रुपए गया है, ये भी है, ये 0 हीरो, ये 0 हीरो, इसके मैं फिगर नहीं बता सकता आपको, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये जो दिख रहा है आपको मैं वही दिखाता हूँ। उसके बाद में अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो 5 रुपए का 42 रुपीज गया है, 5 रुपए से 42। उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे, ये 10 रुपए का 67 रुपीज गया है, जिनका मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, बाद में आप जाके चेक कर सकते हो। तो उसके बाद अगर देखोगे, ये 12 रुपये का 90 रुपया गया है, उसके बाद अगर देखोगे तो 14 रुपये का 70 रुपया गया है, उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे भाई, कहाँ पे 0 0, यहाँ पे अगर देखोगे ये कौन सा है पता नहीं, फिन निफ्टी का है, 30 रुपये का 64 रुपीज़ गया है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ट्रेड है जो 0 हीरो जो है, तगड़े रैली, हमें तगड़ा रैली देखने मिला है। तो ये तो शॉर्ट्स, मैंने ज़्यादा मैं शॉर्ट्स डालता भी नहीं है, आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो लास्ट मैंने शॉर्ट कब डाला हुआ है, कहाँ पे दिखेगा भाई, ये तो बहुत दिन हो गए, मेरे ख्याल से कम 1 महीने के ऊपर हो गया है वो मैंने शॉर्ट्स डाले नहीं है, तो शॉर्ट्स में ज़्यादा डालता नहीं, और वो 0 हीरो के जो ट्रेड्स होते हैं वो भी मैं पहले डालता नहीं था, लेकिन मुझे किसी ने बोला कि डाल दिया करो चैनल पे, तो ये मेरा चैनल है गोल्डन बुल्स नाम से, तो आप इससे जुड़ सकते हो, यहाँ पे आप जुड़ सकते हो और इस चीज़ का फायदा उठा सकते हो। यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी का एनालिसिस वीडियो हम यहाँ पे डेली प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद में कुछ लॉन्ग टर्म के लिए शेयर होता है,
अगर कुछ बाइंग का दिखता है लेवल्स, अगर बाइंग के लेवल्स दिखते हैं लॉन्ग टर्म, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उसके बाद कुछ मल्टी बैगर शेयर्स होते हैं जिनका एनालिसिस यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो इस चैनल से जुड़ के। तो अभी भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पी साइड का जो है ना, यहाँ पे मैंने पी क्यों दिया था, तो आप खुद सोचो। हम यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ मैं। आज एक तो एक्सपायरी थी सबसे पहली बात, तो सोचो आप अगर सेलर होते तो देखो ये ब्रेकआउट होने के बाद अगर आपने यहाँ पे 10,200 का पी शॉर्ट कर दिया होता तो ये प्रॉफिट आपको चल रहा है, और ये जो है पिछला हाई था मार्केट का। तो यहाँ पे आने के बाद में तो हर कोई सेलर जो है वो प्रॉफिट बुक करेगा ही करेगा, 100% बुक करेगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अगर ये वाला कॉल समझो जिसने भी लिया होगा, जिसने शॉर्ट किया है ऊपर की लेवल में, वो अगर आज के दिन अगर 5 रुपया 6 रुपया 7 रुपया चल रहा है तो वो क्यों रुकेगा बताइए। तो उसने क्या किया, यहाँ पे एग्जिट करना शुरू किया। बिग प्लेयर की जो क्वांटिटी होती है वो जब एग्जिट होना शुरू हो जाता है तो ये यहाँ पे एक बाउंस आता है, तो ये बहुत ही खतरनाक बाउंस हमें मिला। तो यहाँ पे जो है जिसने भी, मैंने जो आपको बताया यहाँ पे नीचे की साइड में जो है पीस शॉर्ट किया, 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी किसी ने शॉर्ट किया है वीकली में, तो 10,600 का समझो आप सेलर हो, 10,600 का आपने यहाँ पे पी शॉर्ट कर दिया, जितने भी चल रहा होगा 200 रुपया 250 रुपया या 150 रुपया 100 रुपया जो भी चल रहा होगा, अगर एक्सपायरी के दिन तक आपको अगर यहाँ पे आते आते अगर वो दिख रहा है आपको 5 रुपया 6 रुपया 7 रुपया चल रहा है, तो आप क्या करोगे, ये जो पी आपने जो भी पी आपने शॉर्ट किया होगा इस पॉइंट पे आने के बाद आप क्या करोगे, जो पी सेल किया है उसको क्या करोगे, यहाँ पे पी बाय करोगे, एग्जिट करोगे, मतलब क्या करोगे यहाँ पे पी बाय करोगे। तो यहाँ पे ये लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि जो सेलर थे उनका अगर पी जो शॉर्ट किया हुआ था सेल किया हुआ था, यहाँ पे अगर वो एग्जिट करेंगे तो पी उनका बाय होने वाला है, तो बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे अनलोड होने वाली थी, इसीलिए ये वाला जो है एक प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल बोलेंगे इसे, ये मार्केट फॉल नहीं हुआ है, ये एक्चुअली एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो मार्केट ने अगर फॉल ही होना होता तो इसको कंटिन्यूशन में सेलर जो है लेके जाते, लेकिन ये जो फॉल होने के बाद रिकवरी, तुरंत जो रिकवरी आई है 3 ही कैंडल में, 5 5 मिनट के 3 15 मिनट में फिर से 50% से ऊपर की रिकवरी आई है, तो ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है, उसके बाद में हमें ये रिकवरी जो है देखने मिली है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो थे ये जो बड़े पोजीशंस थे उसके उन्होंने जो अपनी पोजीशन स्क्वेयर अप की, इसकी वजह से ये फॉल आया है, मतलब ये जो पी शॉर्ट, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इन्होंने जो पी शॉर्ट किए थे, पी सेल कोई उसे पी शॉर्ट बोलता है, कोई उसे पी सेल बोलते हैं, तो पी जिन्होंने सेल किया है उनको यहाँ पे पी क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, जो चल रहा है 2 रुपया 5 रुपया 6 रुपया 7 रुपया 8 रुपया 10 रुपया जो भी चल रहा होगा, तो उनको यहाँ पे पी बाय करना पड़ेगा। तो ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वो जो मोमेंटम होता है उनका, सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे ऑप्शन बाइंग का, तो आपको समझ में आएगा, कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे कि वो लोग कहाँ पे पोजीशन अपनी अनलोड करने वाले हैं, तो हम वहाँ पे एक बाउंस हमें मिलेगा, तो हम भी उनके जो बाउंस आने वाला है उसमें हम घुस सकते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस जीरो हीरो ट्रेड का, मेरे इस जीरो हीरो ट्रेड का। तो चैनल का फ़ायदा उठाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हो, और जो है आप टेलीग्राम चैनल से भी यहाँ पे जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं अगले जीरो हीरो ट्रेड में। तो कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, तो कल भी ऐसे ही एक धमाकेदार में फिन निफ्टी का भी जीरो हीरो ट्रेड मैं देने वाला हूँ, और मैं मोस्टली निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का जो है, और अभी मिड कैप निफ्टी का, तो 4 दिन हफ्ते में 4 दिन जो है जीरो हीरो ट्रेड जो है मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे अपने अपडेट देते रहता हूँ, लेवल्स देते रहता हूँ, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ऐसे धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।